कार्लो वर्जन डीएसडी, तो सारे पूछ रहे थे कि रैपिड का बनाओ यार, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ड्राइवर्स कार इसीलिए। और मैं आपको सच बताऊं तो इको स्पोर्ट लेने से पहले मैं स्कोडा रैपिड लेना चाहता था, बट सेटिंग नहीं बैठी कहीं ना कहीं कॉस्ट की, तो इको स्पोर्ट मेरे को ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी लगी, तो इसलिए मैंने वो कार ले ली। तो अगर मॉन्टे कार्लो की बात करी जाए तो मॉन्टे कार्लो जस्ट स्टाइल वर्जन, जैसे फीगो का स्पोर्ट्स वर्जन आ रहा है वैसे इसका सिर्फ स्टाइल वर्जन है, और इसमें मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं है, टायर का साइज डिफरेंट नहीं है, इंजन में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है मैकेनिकली, सिर्फ विजुअल चेंजेस हैं। विजुअल चेंजेस क्या है कि बाहर से कलर थोड़ा कलर स्कीम डिफरेंट है, टॉप ब्लैक रूफ है, आगे जो ग्रिल है वो ब्लैक करी हुई है, तो जो कलर चेंजेस आपको दिखेंगे बाहर से वही हैं, अंदर की तरफ कुछ नहीं है। ये स्टेयरिंग व्हील में डिफरेंट है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, रेड स्टिचिंग हुई है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, सीट कवर इसके थोड़े डिफरेंट है, एंड दैट्स ऑल, बस बाकी अगर कुछ है वो नोटिसेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। स्टाइलिंग चेंज में जो आपको बाहर दिख रहा है वही सब है। बाकी हम रैपिड की ड्राइव लेने लगे हैं अभी, क्योंकि रैपिड डीएसजी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने बहुत भगाई है, बहुत चलाई है, बट एवरीवन वाज लाइक यार उसकी वीडियो बनाओ वो कैसे चलती है, उसका एक्सपीरियंस बताओ, तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई तुमसे ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट है उस चीज़ की। सो फाइनली वी आर इन द स्कोडा शोरूम और अब हम ड्राइव लेने लगे हैं। तो ड्राइव मॉन्टे कार्लो की या नॉर्मल कार की हो डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज ड्राइव में दोनों कार इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली सेम ही होंगी। बाकी इसमें फीचर्स की अगर बात करो तो स्कोडा की जो नया फेसलिफ्ट आया है उसके अंदर इन्होंने टच स्क्रीन सिस्टम अच्छा कर दिया है, और मॉन्टे कार्लो में टच स्क्रीन में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, बट नॉर्मल रैपिड के टॉप मॉडल में वो नहीं है, सो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑटो एसी है, सारी विंडोज ऑटो अप डाउन है, बहुत प्यारा है, क्योंकि बड़ी बार क्या होता है गाड़ी से उतर आप देखते हो यार शीशा थोड़ा सा खुला रह गया, या खोल देते हैं या बंद कर देते हैं, ये चीज़ रह गई तो आप अंदर आके स्पेशली आपको कार ऑन करके पावर विंडो से ऊपर करते हो, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट एवरी जर्मन कार में है, ये बहुत स्पेशल चीज़ें हैं पावर विंडोज़ की, कि बाहर से भी आप कर लो और अंदर से भी ऑटो अप डाउन है, दिस इज़ वेरी गुड। सेकंड स्पेशलिटी इसके ड्राइव में मैं अभी आपको शेयर करूंगा जो उसका डीएसजी गियरबॉक्स है। आई मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएमटी गियरबॉक्स, डीएसजी गियरबॉक्स एंड सीवीटी या एटी गियरबॉक्स, वो एक ही होता है सीवीटी या एटी। तो डीएसजी तीनों की बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजी है, और डीएसजी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट इन दोनों चीज़ों में ही, पेट्रोल भी सबसे कम पीता है, माइलेज भी इसकी सबसे अच्छी है, और दूसरी बात परफॉर्मेंस भी इसकी सबसे अच्छी है, इसकी शिफ्ट क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। वो मैं आपको जब वो वीडियो बनाऊंगा कि क्यों डिफरेंस है क्या है, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि क्यों डीएसजी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो ड्यूअल क्लच ऑलवेज रॉक्स, और जो गाड़ी की खुद की कैसी कंट्रोल इतना अच्छा है, जो भी मैंने सारा कुछ सुना और मैंने चलाई भी है, तो चलो ये बातें मैं ड्राइव में करूंगा कि ड्राइव करने में कितनी स्पेशल है कार। रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, ठीक है जी, आपके ड्यूल आपके एयरबैग्स आ जाते हैं, कूल ग्लव बॉक्स आ जाता है आपका, ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है, ठीक है जी, वो क्या वो नॉर्मल कोई फिटिंग्स अगर आप एड ऑन बाद में करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके और उसके म्यूजिक सिस्टम में सिर्फ जो फर्क है इसमें एप्पल कारप्ले आ गया, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो आ गया, नहीं फिर नॉर्मल रैपिड का नॉर्मल में 6.5 इंच का टच स्क्रीन पैनल है, सिर्फ मिरर लिंक के साथ आता है वो, ठीक है, ठीक है। इसमें एडिशनल टू दैट आपका जो की है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, उसमें सिर्फ मिरर लिंक का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके अलावा सर आपका यूएसबी ऑक्स और एसडी कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, एसडी कार्ड का भी, हाँ जी, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिमिनिशिंग रियर व्यू मेरा आ जाएगा, आपके साइड मिरर्स कंट्रोलेबल आ जाएंगे, वन टच ऑफ आ जाएंगे जी आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी चारों पावर विंडो स्मार्ट आ जाएंगी, फिर स्मार्ट की जिसमें आपकी ऑल टच एंड ऑफ जो है आप बाहर खड़े होकर अपनी पावर विंडो को कंट्रोल कर सकते हो, हाँ जी। सारी विंडोज के अंदर एंटी पिंच आ जाएगा, सिर्फ सिंगल में सारे मॉडलों में आता है जी, अमृत सारों में, ये आजकल बहुत स्टैंडर्ड। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट एसी, रियर एसी, रियर डिफॉगर, ये स्टैंडर्ड है, ड्यूल एयरबैग एबीएस ईबीडी स्टैंडर्ड है, ठीक है। रियर बॉडी प्रोटेक्शन आपकी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड है, ठीक है। सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है, इसमें सिर्फ हिल होल्ड असिस्ट ऑटोमेटिक के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर एक्स्ट्रा। ऑटोमेटिक कौन सा मॉडल ये वाला? ऑटोमेटिक आपका टॉप मॉडल ही आएगा, मिडिल में नहीं, नहीं मिडिल में फिर आपका आएगा वो फिर मॉन्टे कार्लो में नहीं आएगा, एम्बिशन में आ जाएगा, मिडल में आता है ऑटोमेटिक, टॉप मॉडल में आता है ऑटोमेटिक, बेस में नहीं आता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक मॉन्टे कार्लो में ऑटोमेटिक आता है जी, ठीक है। मॉन्टे कार्लो जस्ट स्टाइल वेरिएंट, स्टाइल एली वेरिएंट, स्पोर्टी थोड़ा सा, मतलब स्टाइल वेरिएंट मतलब कि वो तो आपका नाम ही स्टाइल है, स्टाइल मतलब की गाड़ी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लुक है, हां थोड़ी लुक्स एनहांस्ड है गाड़ी, और टॉप से थोड़ा महंगा, 57,000 का नियर अबाउट फर्क रहता है, हां जी। ये है गाड़ी मॉन्टे कार्लो आपकी, कुछ भी नहीं है उस कारण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सर्विस इंटरवल आपके 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर के बाद, बिल्कुल जैसे आपका नॉर्मली 10,000 होता है बाकी कार में, इसमें आपका 15,000। क्या सर्विस कॉस्ट आती है? सर्विस कॉस्ट वैसे अगर आप नॉर्मल बिना पैकेज के देखें तो आपकी पहली सर्विस कॉस्ट करती है 7,500 की, ठीक है।
ठीक है जी, जिसमें लेबर चार्जेस नहीं होते हैं। सेकंड सर्विस जो आपकी कॉस्ट करती है वो निर्भर होती है 9000। ठीक है। रिसेंटली कंपनी ने एक सर्विस पैकेज भी निकाला हुआ है स्कोडा का, इसीलिए जैसे फ्रूड भी निकाल रहा है कि आप 30,000 का इनिशियली हमसे एक सर्विस पैकेज अगर परचेज कर लेते हैं गाड़ी के साथ में, हाँ जी, तो वो आपका आपका 60,000 किलोमीटर और 4 ईयर विच एवर इज अर्लियर आप जितनी भी सर्विसेज कराते हैं, मतलब कि 4 सर्विसेज वो आपकी टोटली फ्री रहेंगी, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं, लेबर फ्री है क्या? नहीं नहीं, टोटल सब कुछ वेयर एंड टीयर के अलावा जो भी चीज है, आपके लुब्रिकेंट चार्जेस, मतलब पैसे नहीं लगेंगे? नहीं कुछ नहीं लगेगा। आप गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, 30,000 रुपए शुरू में आपको दे दिए, शाम को गाड़ी ले जाओ, इससे बेटर कुछ, मतलब कि ऑन एन एवरेज आपकी 4 साल तक सर्विस सिर्फ 7500 रुपए पड़ेगी। नॉर्मल अगर आप इस रेंज में कोई भी गाड़ी देखते हैं, आप i20 ले लीजिए, उसकी भी सर्विस आपकी 7000। पहले नो डाउट जो आप बात कर रहे हो वो सही थी सर, जो चीज है मार्केट में उस चीज को हम ये नहीं कि वे छुपाएंगे। एक टाइम था जब क्योंकि स्कोडा का ही डर लगता था, मानोगे फुल लेने का टाइम भी मैं रैपिड प्रेफर करने लगा था, बट इसलिए लोगों ने कहा जर्मन है कल को रोल आएगी, नहीं नहीं ऐसा पार्ट्स भी मिलेंगे, गियर बॉक्स खराब हो जाएगा। DSG गियर बॉक्स वर्ल्ड नंबर 1 ट्रांसमिशन है ये आपकी, आपको एक गियर शिफ्ट का एक भी फील नहीं होगा इसमें। किक डाउन फीचर, मैनुअल ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स मोड, अडेप्टिव फीचर, क्या कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन की बात है और वर्ल्ड की नंबर 1 ट्रांसमिशन है। आपके मर्सिडीज BMW के भी जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली वो ड्यूल शिफ्ट गियर के ऊपर ही है, इसके नीचे आते हैं अपने ऑटोमेटिक CVT। अच्छा, कौन सी सड़क बेटर है? सीधा लीजिए इन्फोसिस रोड पे ले लीजिए, IT पार्क पे। सो आई एम इन दिस स्कोडा रैपिड DSG टॉप मॉडल स्टाइल वर्जन, व्हिच इज स्टाइल 80 बेसिकली ऑटोमेटिक DSG। तो अभी हम चंडीगढ़ में आए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया के पास चला रहे हैं, एंड अभी मैं यूज्ड टू हो रहा हूँ कार के साथ। इसमें मॉन्टे कार्लो में डिफरेंस क्या है कि इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं है, कलर स्कीम ब्लैक नहीं है, और टच स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले नहीं है, बाकी चीज़ें इट इज टोटली द सेम, और एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं है। स्टीयरिंग बहुत ईजी टू मैन्यूवर है, ऑटो डिमिंग मिरर है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, बट उसकी खास बात है वो भी मेरे पैरों पर है। The special thing about this car is, ये कार अपने थ्रॉटल पे जितना कंट्रोल आपको देती है और किसी गाड़ी में कभी मैंने फील नहीं करा, विच इज़ ट्रू है। मतलब सिर्फ एक थ्रॉटल पैडल से आप इस गाड़ी को पागलों की तरफ भगा सकते हो, आप इस गाड़ी को बहुत प्यार से चला सकते हो, और इट जस्ट रिएक्ट्स लाइक दिस। आपका अभी मन करा भगाने का साथ ही भाग गया। एक्चुअली 7/5 के राइड नाउ मुझे कुछ नहीं फील हो रहा कब गियर शिफ्ट होना है, यही कार, दिस इज गुड इनफ। जितने ज्यादा गियर्स हैं मतलब कि जितनी उतनी ज्यादा स्पीड पे कम RPM पे गाड़ी चलेगी, मतलब आपकी माइलेज ज्यादा आएगी। नाउ आई एम ऑन 6, जरा सी रेस दी, आई एम ऑन 4 और शूट लेती है कार। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, छूट लिया, आई एम ऑन 5th, आई एम ऑन 6th। द कार इज सो कम्फर्टेबल टू ड्राइव। एक होता ना यार कि आप जो शूट है कि आपको जगिनेस फील हो रही है, बिल्कुल भी जगिनेस नहीं फील हो रही, यहाँ से कहना है राइट, बिल्कुल भी जगिनेस नहीं फील हो रही, मुझे एक सेकंड भी पता नहीं लग रहा है कि गियर शिफ्ट कब हो रहा है, सिर्फ सामने में जो डायल्स में दिख रहा है कि D1, D2, D3, D4, D5, सिर्फ वहाँ से पता लग रहा है कि गियर शिफ्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और इतनी कंटेंट पिकअप है, दिस इज 108 BHP, 1.5 और 1.6, 1.5 ऐसा सच है कि 1500 cc पे टैक्स बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं और आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो भी कॉस्टली नहीं होती है। अच्छा, वो इंश्योरेंस की भी स्कीम रहती है कि आप 1500 cc के नीचे की स्कीम डालेंगे 1500 से ऊपर अलग, तो पहले नहीं, पहले भी 1.5 भी था, 1.6 था एक टाइम, आता था 1.6 डीजल में, उसके बाद से 1.5 उन्होंने चेंजेस करके 1.5 कर दिया ताकि कॉस्टिंग ठीक हो। और जर्मन कार्स की सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है, मैंने ना जब मैंने प्लान करा था पहले स्कोडा लेने का, तो मुझे उनके सेल्समैन ने बात समझाई थी कि इनकी क्वालिटी बहुत स्पेशल है। हम कहते हैं यार कि बड़ा प्लेन सा डिज़ाइन है यार, कि आजकल कितना सीधा कि आजकल कितना टेक्नोलॉजी फ्री डिज़ाइन आ रहा है, कि बटन्स कितने ज़्यादा हैं, कि बड़ा मॉडर्न सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट ही टोल्ड मी वन थिंग और मुझे आदत पड़ गई, और फोर्ड में रहने के बाद और आदत पड़ गई, कि जब आप ऐसे प्लेन डिज़ाइन में जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है उसमें आपको आदत पड़ जाती है, तो आपको बाकी सारे इतने घटिया लगता है, तो आपको लगता है यार कि मतलब दिस स्टेटमेंट इज समथिंग एल्स, कि कम बटन्स में ज़्यादा फीचर्स होना और क्वालिटी अच्छी होना
बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस होता है, दैट इज प्योर लग्जरी। ज्यादा बटन देना तो ऐसा लगता है कि चाइनीज माल टाइप फील आने लग जाती है, ओवर ही फीचर्स हो गए, ओवर ही बटन हो गए। फीचर सब में सेम होते हैं, इसमें भी फीचर्स उतने ही है, बट एक सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी इन डिजाइन, सिंपलिसिटी इन द इंटीरियर क्वालिटी। मतलब और जो लोग एक्चुअली जर्मन चलाते हैं उनको उसके इंटीरियर के अलावा दूसरे अट्रैक्टिव ही नहीं लगेंगे, बहुत बोरिंग से लगते हैं, एकदम मजा आ रहा है चलाते हुए। अभी मैं अभी उस रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ही सेइंग इट विल बी कंफर्टेबल टू पुश द कार। इट इज सो इजी टू ड्राइव। मतलब एक तरफ मुझे कार की सॉलिडिटी से फील हो रहा है कि कार कितनी सॉलिड है और कार कितनी हैवी होगी। डेफिनेटली इस कार का वेट ज्यादा होगा इसके सेगमेंट से, बट फिर भी आपको ड्राइविंग में बिल्कुल भी वो फील नहीं होने देगा। द वे द स्टीयरिंग इज मूविंग, द वे द कार इज मैन्यूवरिंग, थोड़ा सा आप पुश करो थ्रॉटल और वो समझ आता है कि आपको क्या करना है। सीधा दिस इज द रोड यू आर फाइनली वी आर ऑन दिस रोड जो बहुत लंबा स्ट्रेच है। स्टीयरिंग फील इज सो गुड। अच्छा मैं बताता हूँ किक डाउन फीचर क्या होता है, लेट मी पुट दिस इन न्यूट्रल, वी हैव टाइम। एक होती है जो थ्रॉटल का डिस्टेंस है, सपोज करो कि आपका रेस पेडल इतनी देर इतना ही देर तक मूव कर सकता है। किक डाउन में क्या होता है कि उस मूवमेंट के बियॉन्ड एक पार्ट होता है जहाँ पर वो क्लिक करता है थ्रॉटल आपका, आपको उसे फील नहीं होगा, क्लिक करता है आपका थ्रॉटल। दिस इज इन BMW, दिस इज इन जर्मन DSGs, और ये बेसिकली बताता है कि आपका ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा अच्छा है। सो एक होता है कि आप जब ज़्यादा थ्रॉटल देते हो तो वो कार सेंस कर लेते हैं कि आपने ज़्यादा अच्छी पिकअप लेनी है, ज़्यादा अच्छा ज़्यादा फास्ट जाना है, तो एक तो वो चीज़ होती है। बट किक डाउन इज बेसिकली कि आप मतलब टेलिंग दिस कि आई वॉन्ट मैक्स पावर। तो जैसे ही आप किक डाउन कर लेते हो तो कार पूरा अपने आपको प्रिपेयर कर लेते हैं कि मैंने मैक्सिमम पावर कैसे निकालनी है, एंड इट जस्ट शूट्स। और मैं भी दिखाता हूँ उसको चीज़ आपको, अगर आप सिक्स गियर में हो तो चाहे उसको सीधा थर्ड पे आना हो सीधा ही थर्ड पे आ जाएगी, सेवन्थ में वो सीधा ही थर्ड पे आ जाएगी। उसको आप आराम से क्रूज कर रहे हो अराउंड 190, जस्ट प्रेस द किक डाउन, वो तभी आपको जज कर लेगा कि कितनी स्पीड पे आना, और उसी टाइम छूट लगे गाड़ी भगा लेगी। उसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट मी शो यू, ये गियर शिफ्ट हो रहे हैं बहुत प्यार से, D3 D4 D5, सी द स्पीड इज 60, आई एम इन फिफ्थ गियर। It is 6th now, brake money but rear 5th again. आगे सड़क ही खत्म, उसके आगे भी स्ट्रेच है, उसके आगे भी है, बट अभी स्टैंड थोड़ा रश है। I am on 7 now, so I do kick down. It goes to 3 and just shoots. So this is what DSG does. It is so quick, so quick. सड़क खत्म हो रही थी, so I had to break. And this is the auto down feature जो मैं विंडोज का बता रहा हूँ, इट इज़ सो कम्फर्टेबल। सी वन ऑप्शन इज आपने अगर शीशा बंद करना है, आप अपने यहाँ पर दबा के रखो, शीशा नीचे तक जा रहा है, वन थिंग इज जस्ट पुश इट और शीशा अपने बंद हो रहा है, इतना टाइम क्यों अपने अपनी उंगली को वेस्ट कराना। एंड दिस इज इन एवरी विंडो। नॉर्मल क्या है, ये फीचर सिर्फ क्या नाम है, मतलब सिर्फ ड्राइवर सीट पे होता है, और ड्राइवर साइड पे भी आपको मैक्सिमम कार्स में ऑटो डाउन ही मिलता है, ऊपर करने का नहीं मिलता, फिर उस ऊपर वाली कार्स में ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों मिलता है। सिर्फ स्कोडा है जिसमें ये फीचर चारों विंडोज पे मिलता है। सो अगेन आई एम गोइंग टू किक डाउन एंड सी द पिकअप। सी कहाँ तक गियर होल्ड कर रहा है, मैंने पूरा थ्रॉटल दिया हुआ है, रेड लाइन से थोड़ा पहले बस 45 मिनट तक। So good. जब जैसा बनाना तो वैसा बन जाती है।
So now, my cameraman friend is driving this. I'm going to sit in the back seat. The place is very important for a car of this segment. And as usual, me being a fan of this car, its back seat was good. Ta-da! As I like the car to be, backrest angle is very good. This is what I was talking about. Just a button and it goes. Ta-da! Just the button and it goes up. It has anti-pinch also. 1 second. Ta-da. So this is luxury, yaar. Aur kisi is range ki gaadi mein nahi aata, which is bad. Aana chahiye. This is how my friend is driving. The legroom is good. Overall space is good. Roomy feel ho raha hai kyunki bahar ki wind line bhi bahut, matlab ye line bhi kafi niche hai. So it is feeling very comfortable. Interior is good as usual. This is really comfortable. Wahi na thigh support achhi honi chahiye aur is car ki thigh support achhi hai. Ye pillow saath mein dete ho ab gadi ke? Acha. अच्छा accessory है भी। ये auto dimming mirror है, right? हाँ सामने वाला। Holder, bottle holder in the back.